दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और जो कई सारी गंभीर और बड़ी समस्याओं का कारण बन जाता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आंतों की समस्याओं के बारे में, आंतों की बीमारी के बारे में कि अगर आपको लगातार आंतों की बीमारी या आंतों की समस्या बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत बनी रहती है तो ये गंभीर समस्या है। आपकी आंतें खाने को पचाने से लेके उसके अंदर से ज़रूरी अवयवों को या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके आपके खून तक पहुंचाने का काम करती है। उसके अलावा आपके शरीर से टॉक्सिन्स को, वेस्ट को बाहर निकालने में भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, जिससे वो आपको कई सारी बीमारियों से दूर रखने में आपकी मदद करती है। अगर हमारी आंतें ये सारे काम ठीक से ना करें, इन सबको ठीक से अंजाम ना दें, तो उसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस की समस्या, पेट फूलना, उसके अलावा कुछ बड़ी बीमारियां जैसे IBS, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, उसके साथ साथ अगर लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको बवासीर या पाइल्स जैसी समस्या या एनल फिशर की समस्या भी डेवलप हो सकती है। उसके अलावा अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आंतों में गंदगी भरी हुई है, तो आपका लीवर पे भी इसका असर पड़ता है और लीवर का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसमें गलती आपकी भी नहीं है, कारण यह है कि आपकी आंतों की हेल्थ ठीक नहीं है। आपकी आंतों के अंदर उतनी सारी गंदगी भरी हुई है कि वो आपके जो दो मेजर फंक्शन है आंतों के, उनको ठीक से काम नहीं करने देता है। तो एक तो वो जो ज़रूरी चीज़ें एब्जॉर्ब करनी है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ पर असर पड़ता है। दूसरे, जो वेस्ट बाहर निकलने चाहिए क्योंकि उतनी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, तो वो वेस्ट वहाँ पर जमा हो गया है, जिसकी वजह से जो आंतों की मूवमेंट होती है वो ठीक से नहीं हो पाती है और आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है। इसलिए आप घंटों घंटों टॉयलेट में बैठने के लिए, बार बार टॉयलेट में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं अपना पेट साफ करने के लिए। फिर आप अलग अलग तरह के चूर्ण और अलग अलग चीज़ें लेते हैं जिनसे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आगे बात करने वाला हूँ एक ऐसे डेली रूटीन के बारे में जो बहुत ही असरकारी है, बहुत ही फायदेमंद है। आपको महीने में 7 से 10 दिन इस रूटीन को करना होगा हर महीने, तो आप अपने आंतों की हेल्थ को सुधार सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों और जो आपको लगातार जैसे कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है, उन सब समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये डेली रूटीन करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले सुबह उठ के खाली पेट एक गिलास सादा पानी पीना है। उसके बाद आपको 10 मिनट कम से कम वेट करना है और फिर से एक गिलास पानी में करीब एक नींबू का रस या आधा नींबू का रस आप मिला लीजिए और इसको आप पी लीजिए। उसके आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। आप अपनी बाकी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं, धो सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर लीजिए, लेकिन खाना पीना कुछ भी नहीं है। आधे घंटे बाद फिर आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। ध्यान रहे कि एक तो ब्रेकफास्ट आप अच्छी मात्रा में करें और आराम से करें। ब्रेकफास्ट करने में कोई जल्दबाजी ना करें और ब्रेकफास्ट में जो आपकी चीज़ें होंगी उसके अंदर ध्यान रखें कि फ्राइड चीज़ें ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना हो, क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देते हैं, आपकी आंतों की हेल्थ को ख़राब करते हैं। आपके नाश्ते में फ्रूट्स, दूध, दही, स्प्राउट्स, ओट, दलिया, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि नाश्ते में आपको चाय या कॉफ़ी नहीं पीना है इन 7 से 10 दिनों के बीच, जब तक आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं। अब बारी आती है आपके लंच की। जब भी आपका लंच का समय है उससे 15 से 20 मिनट पहले आप एक कटोरी वेजिटेबल फ्रूट सलाद ज़रूर इस्तेमाल कर लें। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को चेंज कर सकते हैं। 15-20 मिनट कुछ ना खाएं, उसके बाद ही आप अपना लंच शुरू करें और लंच में आप रोटी, सब्जी, दाल, इनका ज़रूर इस्तेमाल करें। और ध्यान रखें कि रोटी जो है आपकी, अगर मल्टी ग्रेन आटे से बनी है, इसको मिक्सी रोटी भी कहते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके लिए आप गेहूँ, जौ, चना, इस तरह के आटे मिला के आप रोटी बनाएं, क्योंकि जब ये मल्टी ग्रेन रोटी होती है तो इसके अंदर एक तो फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है और ये आपकी आंतों में चिपकती नहीं है और बाकी चीज़ों को भी नहीं चिपकने देती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोपहर में रोटी के साथ साथ, ये आपके टेस्ट पे और खाने के स्वभाव पे डिपेंड करता है। बाकी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है,
सिवाय आप फैटी और फ्राइड भोजन के। उसके बाद शाम को आप कोई एक ग्रीन टी या कोई एक जूस ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है, क्योंकि इससे आपके टॉक्सिन जो है शरीर से वो बाहर निकलते हैं ग्रीन टी के थ्रू, और आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से बना रहता है। और ध्यान रखें कि जो आपका डिनर है वो दिन ढले या सूरज ढलने के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लें। डिनर में आप कम से कम खाएं, आप एक चपाती या दो चपाती ले लें, अगर आपकी भूख चार चपाती की है तो आप दो चपाती ही खाएं, एक सब्जी को ले लें और एक कटोरी दाल इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि इस समय आप फ्रूट्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। डिनर करने के बाद आप अब अगले दो घंटे तक कुछ ना खाएं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी शहरों में या आजकल हमारी जो सोने की आदत है वो देर रात तक सोने की है, हम 10 11 12 बजे तक भी सोते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको डिनर के और आपके सोने के समय के बीच में भूख लगने लगे। ये वो ज़रूरी चीज़ है जो इस रूटीन का बहुत ही ज़रूरी पहलू है। तो आप सोने से पहले 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ये जो मैं बताने वाला हूँ इसको इस्तेमाल करें, तो इससे एक तो आपकी आंतें साफ होंगी, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी आंतों से गंदगी को निकाल देंगी, टॉक्सिन्स को निकाल देंगी, कॉन्स्टिपेशन को कम करेंगी, क्योंकि ये सारे लग्जरेटिव के तौर पे काम करते हैं। तो इन दिनों आप रोजाना रात को एक कप आधा ग्लास दूध जरूर पियेंगे, थोड़ा सा गुनगुना दूध रखें आप, उसके साथ ये जो चार पांच चीजें हैं इनमें से कोई एक चीज आप रोजाना लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आप रोज एक एक चीज लेंगे तो वो आप बोर हो सकते हैं। तो या तो आप एक चम्मच इसबगोल की भूसी इस दूध में मिला के घोल के अच्छे से पी लें, एक गाढ़ा खीर जैसा हो जाएगा, इसको अगर आप रोज लेंगे तो ये ज्यादा फायदेमंद है। बीच बीच में आप अंजीर खा सकते हैं, उसके अलावा आप 5 से 6 मुनक्का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बादाम का 3 से 5 ml ऑयल जो है वो इसमें मिला के दूध में मिला के पी सकते हैं, या आप 2 खजूर खा सकते हैं इस दूध के साथ। तो इनमें से जो भी रेजिमेन आपको पसंद आता है आप वो कर लीजिए। ये सारे आपके एक तो लग्जेटिव का काम करते हैं, इनके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं, इंटेस्टाइन्स को मूवमेंट को बढ़ाते हैं और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन आपकी आंतों के अंदर सुधर जाता है। तो इस तरीके से अगर आप एक डेली रूटीन 7 से 10 दिन महीने में एक बार कर लेते हैं, बट आप इसकी आदत बनाएंगे, लगातार करेंगे, तो आपकी आंतों की हेल्थ परफेक्टली बनी रहेगी और आपको पेट से होने वाली समस्याएं और बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होंगी, और इस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।